नमस्ते, मेरा नाम संस्कृति सचिन मारी, मैं उषाराजी स्कूल में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके साथ साइकस नाम से जानने वाले पौधे के बारे में बात करने जा रही हूँ। अनावृत बीजी या विवृत बीज ऐसे पौधों और वृक्षों को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद होने की बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में होते हैं। यह दशा आवृत बीजी वनस्पतियों से विपरीत होती है जिन पर फूल आते हैं और जिनके बीज अक्सर फलों के अंदर सुरक्षित होकर पनपने हैं। अनावृत बीजी वृक्षों का सबसे बड़ा उदाहरण कोनधारी है जिनकी श्रेणी में पाइन, तालिसपत्र, प्रसरल, सनोबर और देवदार शामिल है। साइकस के पौध आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में तैयार की जाती है। इसका बड़ा तना लोगों का ध्यान खींचता है। वर्ष में एक बार इस पर नई पत्तियां आती है। इसका तना काले रंग का होता है। साइकस के पौधे की कीमत उसकी उम्र के साथ बढ़ती है। साइकस में काष्ठ मोनोजाइलिक तथा पाइनस में पिक्नोजाइलिक होती है। सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु साइकस का होता है जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना का निर्माण किया जाता है। साइकस के बीज अंडमान द्वीप के जनजातियों द्वारा खाए जाते हैं। साइकस की पत्तियों से रस्सी तथा झाड़ू बनाई जाती है। साइकस को सागो पाम कहा जाता है। साइकस ताड़ जैसे मरुद्भिद पौधा है जिसमें तना लंबा, मोटा तथा अशाखित होता है। इनके सिरों पर अनेक हरी पत्तियां गोलाकार ढंग से एक मुकुट जैसी रचना बनाती है। शैवाल युक्त साइकस की जड़ को कोरेलॉइड जड़ कहते हैं। साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। धन्यवाद।